बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन मूवी वॉर को रिलीज होने में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में फैंस से लेकर क्रिटिक तक की सबकी निगाहें इस फिल्म पर टिकी हैं, क्योंकि इस फिल्म को लेकर जितने तरह के फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, असल में वो फिल्म में है या नहीं ये देखना सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे फिल्म में टाइगर और ऋतिक के रोल की बात करें तो दोनों एक्टर्स अपनी लाइफ का अभी तक का सबसे डेडली एक्शन इस फिल्म में करते हुए नजर आएंगे और दोनों एक्शन हीरो एक दूसरे पर दबदबा बनाते हुए नजर आएंगे। 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली वॉर में ऋतिक ने डांसिंग मूव के साथ साथ एक्शन भी कितने हाई एंड का किया है, इस बात का अंदाजा आप इस फिल्म से जुड़े उस खास शख्स के स्टेटमेंट से लगा सकते हैं, जो उन्होंने अभी हाल ही में ऋतिक के लिए दिया। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिया अपने इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर ने ऋतिक को लेकर कई खुलासे करते हुए कहा कि वो इंडिया के सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार है। सिद्धार्थ ने कहा, जब बात एक्शन की आती है तो भारत में ऋतिक से बेहतर एक्शन सुपरस्टार कोई हो ही नहीं सकता। वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने और देश में एक्शन फिल्मों को और आगे ले जाने की अपने कमिटमेंट की वजह से सबके चहेते एक्शन स्टार हैं। ऋतिक पर बात करते हुए सिद्धार्थ आनंद ने कहा, वॉर में ऋतिक ने अपनी अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से ऑडियंस को ऐसा शानदार एक्सपीरियंस होगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने इस फिल्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोखिम उठाए हैं, जो यकीनन देखकर हम भी हैरान रह गए। आपको बता दें कि फिल्म में ऋतिक को पुर्तगाल के शहर पोटेरे में एक पुल से 300 फीट नीचे छलांग लगाते हुए देखा जाएगा, जिसके लिए ऋतिक ने अब तक सभी फिल्मों से ज्यादा मेहनत की है। ऋतिक के लिए ऐसी तारीफें सुनकर यकीनन अब फैंस की एक्साइटमेंट और हाई होने वाली है। आपको बता दें कि वॉर 2 अक्टूबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में रिलीज की जाएगी, जिसका फैंस अभी से इंतजार कर रहे हैं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।